Live update. गुड आफ्टरनून कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं अनिमेश। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, थोड़ी देर पहले आपकी बिल्कुल लाइव मुलाकात करवाई थी नन अदर देन सुपर टैलेंटेड बेस्ट एक्टर जो मेरे साथ थोड़ी देर पहले थे, यानी कि पूरब कोहली, उनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें हुई थी। बहुत ही फ्रेंडली एक हमारी बातें हुई और काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला हॉट स्टार स्पेशल के नए शो आउट ऑफ लव के बारे में। 22 नवंबर से हॉट स्टार वीआईपी पे हम देख पाएंगे और हॉट स्टार वीआईपी के आउट ऑफ लव में नजर आएंगी सुपर टैलेंटेड रसिका दुगल। इस वक्त कोलकाता शहर में है। कोलकाता और बंगाल से इनका एक पुराना रिश्ता है, उसके बारे में हम बातें करेंगे, सौंदर्य के बारे में हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वैग से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने शहर कोलकाता शहर में। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले पूरब को ही मैंने कहा था कि इस इंटरव्यू के लिए, स्पेशली इस इंटरव्यू के लिए मैं हेयर कट करा के आया हूं मैम, क्योंकि मुझे मैं बाल एक धमाल कर सकता है, इसीलिए जो धमाल कर रहा है हॉट स्टार वीआईपी के आउट ऑफ लव में। लेकिन हम सीरियस बात करने वाले हैं, थ्रिलिंग ड्रामा कहा जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आउट ऑफ लव के बारे में, ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा डॉक्टर मीरा कपूर का? हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इट इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द होल सीरीज, एंड रियली समटाइम्स आई होप दैट द ऑडियंस ऑलमोस्ट स्टोरी इज बीइंग टोल्ड थ्रू हर माइंड, द ऑडियंस इज ऑलमोस्ट इन हर माइंड एंड वंडरिंग व्हाट शी इज गोइंग टू डू नेक्स्ट। सो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी इन दैट सेंस, एंड अ चैलेंज दैट आई हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आई थिंक व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि मीरा बहुत ही एक कमिटेड डॉक्टर हैं, एक केयरिंग मदर हैं और एक लविंग पार्टनर हैं, और उनको लगता है कि उनकी जिंदगी बहुत सब कुछ ठीक है उनकी ज़िंदगी में, और फिर ये वाक्या होता है जब उनको पता लगता है कि हर हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर विद समबडी एल्स, एंड सडनली हर होल सीमिंगली परफेक्ट वर्ल्ड कोलैप्सेस, एंड देयर आर मेनी चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ हर एंड वी डोंट नो व्हिच वे शी इज गोइंग टू चूज। क्या वो फॉरगेट करेंगी या फिर फाइट करेंगे? मैं आपको ये बता दूंगी तो फिर फिर क्या रह जाएगा। एंड इट्स नॉट द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द सीरीज इज कि इट्स नॉट ओनली कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बट इट इज हाउ इट हैपेंस, एंड इट इज अ वेरी इंट्रिकेट एंड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल आफ्टर ऑफ अ मैरिज विच हैज सीन इनफिडेलिटी। तो वो बहुत मुझे एक तरीके से बहुत टचिंग लगा जब मैंने ओरिजिनल देखा था। तो आई होप दैट द ऑडियंस रेजोनेट्स विद दिस एंड they're as moved by it as I was. देखो तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि आपने देखा था, तो ये डॉक्टर फोस्टर आपने कितने साल पहले देखा, कब देखा था? और मैंने एक्चुअली जब पहले आपने देखा, शूटिंग के पहले देखा, और शूटिंग के दौरान मैंने वापस नहीं देखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस परफॉर्मेंस को इमिटेट करने लगूँ, मैं अपना कुछ लेकर आना चाहती थी परफॉर्मेंस के लिए। सो इसलिए मतलब पहले मैंने देख लिया था कि एक तरीके समझ आ जाए कि पूरे स्टोरी का इंटेंशन क्या है और पूरी स्टोरी का फ्रेमवर्क क्या है, लेकिन उसके बाद आई वॉन्टेड टू क्रिएट समथिंग ऑफ माई ओन, क्योंकि जो ओरिजिनल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा है, तो उसको अगर आप एक बार भी देखें तो वो अपने दिमाग से निकालना मुश्किल हो जाता है, तो दोबारा देखोगे तो कभी भी नहीं निकलेगा। बिल्कुल सर, मैम मैं जानना चाहूँगा कि आपको हमने बहुत सारे वेब सीरीज में देखा है, करीब 6 वेब सीरीज आप कर चुकी हैं, और बहुत सारे मूवीज में भी आप बहुत ही चैलेंजिंग रोल्स कर चुकी हैं, तो अभी तक का सफर कैसा रहा है? बॉलीवुड की जब बातें करें, ये सफर कैसा रहा, कितना सफर करना पड़ा रसिका? सफर भी करना पड़ा और मज़ा भी आया, सच कहूँ तो, क्योंकि ये और ये ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ अच्छी चीज़ें होती हैं और अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं। किसी भी आर्टिस्ट के लाइफ में हर टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्क कर रही होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं वर्क कर रही होती हैं, एंड ये आई थिंक व्हेन यू बिकम एन एक्टर आफ्टर पहले 3-4 साल में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन 3-4 साल बाद में समझ गई कि देखो अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड यू हैव टू लर्न टू एंजॉय बोथ और learn to not take any seriously, you know. So or I think the thing that helped me the most was ki I really really love what I do, and agar uske liye validation mil jata hai dusron se to bahut acha lagta hai aur bahut maza aata hai aur us engagement mein bahut maza aata hai audience ke sath, lekin agar validation na bhi mile काम करने में जितना मजा आता है उसी से मैं काफी खुश हो जाती हूँ। काम चलते रहना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि हम ऑफर की बातें कर रहे थे कि वेब सीरीज का भी अभी प्रेजेंट जो है और फ्यूचर जो है दोनों है, तो ये वेब सीरीज का जो ट्रेंड चला हुआ है मैम, इसके बारे में आप क्या?
लेकिन अब आई थिंक अभी बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है और अलग अलग जॉनर का काम, जैसे अलग अलग जॉनर की सीरीज पॉपुलर हो रही है, जैसे मेड इन हेवन भी बहुत पॉपुलर हुई और मिर्ज़ापुर भी बहुत पॉपुलर हुई, दो कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में सेट दो सीरीज. सो आई थिंक दैट कि दिस इज प्रूफ कि हमारी ऑडियंसेस बहुत टाइम से अलग अलग टाइप की चीज़ें देखने के लिए तैयार थी, बट हम उनको ये ऑफर नहीं कर रहे थे. हाँ, तो पहले कहा जाता है ना इन ऑडियंस इज़ नॉट रेडी फॉर दिस, और मैं कभी भी इस बात में विश्वास नहीं करती थी. मुझे हमेशा लगता था कि ऑडियंस इज़ ऑलवेज बिन रेडी फॉर अ लॉट, वी जस्ट हैवन हैड द करेज टू मेक स्टोरीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मूला. एंड आई एम ग्लैड दैट इन द डिजिटल स्पेस फाइनली वी आर डूइंग दैट, दैट इन द डिजिटल स्पेस इफ देर इज़ अ फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज़ दैट लेट्स मेक समथिंग डिफरेंट, यू नो, और लेट्स मेक समथिंग विच इज़ एंगेजिंग. And there is no so बहुत interesting content लिखा जा रहा है. I think finally writing is getting the value that it needed. इतने साल से writing department को बहुत ignore करके रखा हुआ था, finally this is it has become something which writing rooms हैं अभी और लोग बहुत time लेके scripts लिख रहे हैं. Delhi Crime is a very good example of, you know, it took 4 years to research Richie Mehta director writer of it. So I'm very glad for this space and it's very interesting. डिजिटल होने के बाद हम आरजेज भी थोड़े दिखने लगे हैं. हाँ, सब कोई दिखने लगे, पहले नहीं दिखते थे हम लोग. और इंटरव्यू के दौरान रसिका किससे संदेश खाएंगी वो भी हम देखेंगे. अच्छा, वो भी खाना पड़ेगा. नहीं, बट ये मेरे को लगता है डिजिटल स्पेस की थोड़ी प्राइवेसी नहीं मिल जाती, बहुत ज्यादा प्राइवेसी नहीं. हर चीज की फोटोग्राफ लेनी पड़ती है, हर चीज का एक विजुअल होता है. पहले मतलब आप लिख के बोलते थे, अरे आई रियली एंजॉयड ईटिंग दिस नाउ, लाइक अरे वेयर इज इट, शो अस अ फोटो. तो वो थोड़ा सा मुझे उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है. कई लोगों की आदत होती है कि वो हर मोड़ पे किसी चीज़ की फोटो ले लेते, मेरी तो आदत बिल्कुल भी नहीं है. तो बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ती है अपने इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए. आखिरी सवाल मैं रचिका आपसे पूछना चाहूँगा कि उन लोगों से क्या कहेंगे, उन स्पेशली उन महिलाओं से क्या कहेंगे अगर वो इस तरह की फेस करती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम उनके दिमाग में कुछ इस तरह का शक होता है या फिर उनको पता चलता है, क्या करना चाहिए? मैं महिलाओं से ही नहीं बल्कि मर्दों से भी कहूँगी कि जो भी किसी रिलेशनशिप में है, जिन जहाँ उन्हें इनफिडेलिटी जैसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो, तो आई थिंक दैट आई वुड से दैट हमारी सोसाइटी में बहुत सीक्रेसी होता है इस बात के इर्द गिर्द, और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं, बहुत कॉमन जी अकरेंस है सोसाइटी में. अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है किसी से मदद लेने की या किसी से बात करने की या प्रोफेशनल हेल्प लेने की, देन आई थिंक यू शुड गो एंड डू इट. थैंक यू सो मच रसिका हमारे साथ बातें करने के लिए. फ्रेंड्स एफएम के साथ बातें करके काफी अच्छा लगा, मुझे काफी अच्छा लगा. थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए. 22 नवंबर का हम सभी को इंतजार रहेगा जब हॉटस्टार वीआईपी पे हम देख पाएंगे आउट ऑफ लव. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो.